तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित हाया सोफिया को कई सदियों तक दुनिया के सबसे बड़े चर्च होने का गौरव हासिल था, लेकिन 2 जुलाई 2020 को तुर्की के एक फैसले के मुताबिक अब लग रहा है कि इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस पर नजर डालने के साथ ही साथ हम हाया सोफिया का इतिहास भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू द हिस्ट्री बास्केट। बाइजेंटाइन एम्पायर जब 6वीं शताब्दी में अपने पीक पर था, तो इसमें क्रिश्चियंस की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसको देखते हुए एम्परर जस्टिनियन ने एक भव्य चर्च का निर्माण इस्तांबुल में कराया। इस शहर को पहले कुस्तुंतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता था। इस चर्च की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के मानने वालों के लिए यह वेटिकन जैसा ओहदा रखता था, और इसका डोम बहुत समय तक दुनिया का सबसे बड़ा डोम था। लेकिन समय के साथ यह एम्पायर कमजोर हो गया और 15वीं शताब्दी तक यह सिर्फ इस्तांबुल तक ही सिमट गया, और 1453 ईस्वी में ऑटोमन्स एम्पायर के सुल्तान मेहमद द सेकेंड ने शहर को फतह कर लिया और हाया सोफिया को मरम्मत करा, इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। मस्जिद के साथ ही साथ हाया सोफिया अलग अलग समय में अलग अलग धर्मों और संप्रदायों का केंद्र रहा है, पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह खत्म कर दिया गया, तब तुर्की को बदलकर मॉडर्न और सेकुलर रिपब्लिक तुर्की की स्थापना की गई और इसके लीडर बने कमाल अतातुर्क। 1934 में अतातुर्क ने एक ऑर्डर पास कर हाया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह यह अब तक म्यूजियम ही बना रहा। लेकिन तुर्की की एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड द एनवायरनमेंट ने कोर्ट में एक केस फाइल किया, जिसमें ये अपील की गई कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाए। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रजब एर्दोगान ने भी इसे मस्जिद बनाने का वादा किया है। कोर्ट का फैसला 17 जुलाई को आने वाला है। उम्मीद यही की जा रही है कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।